हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर एक और बच्चे के साथ बैठा हूँ जो राजस्थान के नागौर जिले से हैं। नाम है आपका राजू राम। हाँ जी सर। तो इस बच्चे के साथ बड़ी समस्या हुई है और बड़ा अजीब सा केस इस बच्चे के साथ हुआ है। ये सॉल्यूशन मांगने आया है। मैं उन बच्चों को भी बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि जो बहुत सारे बच्चे ये परेशान होंगे कि मेरा भी सॉल्यूशन शायद अंकित सर के पास होगा, मैं भी उनके पास चला जाऊँ तो शायद सॉल्यूशन हो जाए। ये इस उम्मीद में आया है, इसी उम्मीद में आए होंगे कि जब उन बच्चों का सॉल्यूशन हो गया तो शायद मेरा भी हो जाएगा। पर आप शायद SSC हेडक्वार्टर होते हुए आए सर, वहाँ पर तो वीडियो देखी थी आपने भी हम शक्ल वाली? वीडियो देख के फिर भी आया था मैं। हाँ हाँ ओके। तो अब इस बच्चे के साथ क्या हुआ कि आप देखेंगे इसका जो फोटोग्राफ है वो उन्होंने ब्लर बता दिया, लेकिन उससे ब्लर के कारण रिजेक्ट बताया है। लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि इन्होंने स्टेटस चेक कर लिया अपना, इनको सिटी विटी सब दे दिया। क्या दिल्ली सिटी दिया था? दिल्ली सिटी दिया, दिल्ली सिटी। राजस्थान के दिल्ली नोएडा ही आ रहे हैं तो इनको दिल्ली सिटी भी मिल गया, अलॉट हो गया। बाद में इनको एक मैसेज आता है कि आपका स्टेटस फिर से अपडेट कर दिया गया है। उन्होंने भाग के देखा कि दिल्ली से और नज़दीक आ गया हूँ, क्या पता मेरा राजस्थान में ही आ गया हो सेंटर। इस वजह से भाग के देखा और पता लगा कि आपका फोटो ब्लर था, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बच्चे अब यहाँ पर बड़ा संशय हो जाता है और बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर पहले एक्सेप्ट किया अब रिजेक्ट किया, ये तो गलत बात है। इसलिए बच्चा ये परेशान है कि मेरा केस ही अलग है सर। पर ये केस अलग नहीं है, ये वो मानेंगे कि सर वो पहले हमसे गलती से हो गया, ठीक है स्टेटस। वो बोल भी रहे शायद 5200 बच्चों के साथ ऐसा हुआ, तो 5200 बच्चों के साथ इन्होंने पहले स्टेटस उनके दे दिए, बाद में पता लगा तो ब्लर थे फोटो, तो वो सब रिजेक्ट कर दिए। तो ऐसा 5200 बच्चों के साथ हुआ है, ऐसा उन्होंने इनको बताया। तो बच्चे ये ऐसा केस ब्लर फोटो का तो अब सही नहीं हो सकता। कैसे भी अगर ये बच्चा कोर्ट भी जाए, उन्होंने तो मना कर ही दिया कुछ नहीं होगा, एप्लीकेशन इनसे लेके रख ली, पर उनको इनको ये भी बोल दिया कि 99% नहीं होगा। वो उन्हें बोले था कि आप कोर्ट जाओगे तो भी नहीं होगा ये। हाँ नहीं, वो मुझे भी पता है कि भाई कोर्ट जाओगे, कोर्ट भी कहेगा कि ब्लर फोटो क्यों लगाते हो आप। अब ये ब्लर कैसे लगा भाई फोटो, एक ये और बता दो। मैं क्या है कि वो फोटो थोड़ी भी स्कैन करने में उसको कर दिया, यानी फोन ई मित्र वाले से भरवाया था आपने? हाँ ई मित्र, आपके यहाँ ई मित्र वाले साइबर कैफे वाले होते हैं ना, तो उनसे इन्होंने भरवाया। अब उसने ब्लर कर दिया, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि ब्लर हो भी गया नहीं हुआ। उसने तो फॉर्म, वो तो कह रहा है दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा है, 65-70 नंबर आ रहे हैं इसके मॉक में, RWAK में ये दे रहा है। तो बड़ा दुख हुआ मुझे भी, और ये भी बच्चा रो रहा था, कह रहा है मैं घर वालों को क्या जवाब दूँ, और ज़्यादा परेशान। उनको भी एक उम्मीद थी कि दिल्ली पुलिस, अब राजस्थान पुलिस में तो अभी वैकेंसी सरकार ने लटका ही दी है, वहाँ आचार संहिता वगैरह सब लग गई और सारी पुलिस की वैकेंसी खत्म। तो सारा राजस्थान का बच्चा दिल्ली पुलिस को तो उनकी एक उम्मीद होती है, तो बहुत परेशान है ये बच्चा अब। लेकिन सॉल्यूशन क्या कुछ हो सकता है? तो सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता बच्चों इसका। आपको फॉर्म देख करके भरना है, और ब्लर फोटो है वो ये भी मानता है, इसने भी देखा है। और बच्चे ब्लर फोटो ना लगाएं, फोटो बिल्कुल साफ स्कैन कराएं और बिल्कुल अच्छे से सावधानी से अपना फॉर्म भरें। आज इसने फॉर्म भरा 3 महीने पहले, और बहुत मेहनत से तैयारी भी की, लगातार लगा रहा कि मैं इस बार दिल्ली पुलिस में लग जाऊंगा, लेकिन फाइनली क्या मिला कि फॉर्म रिजेक्शन, आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम ही नहीं दे सकते। तो फिर उस टाइम पे जो दुख का बाहर, देखिए एक एग्जाम दे के बाहर हो रहे हो तो कोई बात नहीं यार, मैंने एग्जाम दिया। हाँ जी, लेकिन आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो वो जो दुख है वो वास्तव में झेला नहीं जाएगा। 3-4 साल बाद अब ये वैकेंसी आएगी। अब मैंने इसको सजेस्ट किया है कि इसकी उम्र SSC GD में बच रही है, भाई अब तुम्हारी दिल्ली पुलिस की इतनी अच्छी तैयारी है तो आप GD में फर्स्ट चॉइस लीजिए SSF, दिल्ली पुलिस को भूल जाओगे, इतनी शानदार नौकरी है। तो आपका टारगेट अब से वही होना चाहिए सर, क्योंकि 24 नवंबर को वो भी फॉर्म आ रहे हैं, फरवरी में उसका भी एग्जाम है। तो अब आप सोचो, और इतना तेज फास्ट प्रोसेस चल रहा है SSC GD का, दिल्ली पुलिस से पहले ज्वाइनिंग SSC GD की होने लग जाएगी, जिसके अभी फॉर्म भी नहीं आ रहे।
क्योंकि दिल्ली पुलिस में लेट इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली पुलिस में पहले एसएससी एग्जाम करा के फिर पूरा दिल्ली पुलिस को देगी, पूरा सारे बच्चों को जो क्वालिफाई हुए हैं एग्जाम, फिर दिल्ली पुलिस वापस एसएससी को देगी, फिर ये दोबारा से एक कट ऑफ लगाएंगे। तो इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लग जाता है, जबकि जीडी में ऐसा नहीं है, फटाफट सारे काम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी ऐसे केसेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना हो सकता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोग फॉर्म भरते समय सावधान रहें, वरना इस बच्चे की तरह परेशान हो जाओगे। तो ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।